गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडक्शन को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। इस पर मैं चाय बनाकर आपको दिखाऊंगी कि हम इंडक्शन पर चाय आसानी से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये चाय का पानी लिया, ये 2 कप पानी है। 2 कप पानी में हमें 5-6 कप चाय बनानी है। हमने 2 कप पानी रखा और हमने इंडक्शन को, ये जो बटन दिए हुए हैं इसमें ऑन ऑफ़ का, इसको हमने प्रेस किया, ये ऑन हो गया है। अब इसमें इसकी बराबर में ये फंक्शन का बटन दिया हुआ है, हमने इसको प्रेस किया, ये हमारा 1000 पे हो गया। लेकिन हम 1000 पे जब बनाते हैं कोई चीज़, जब हमें ज़्यादा बनानी होती है या हमें हाई स्पीड चाहिए, तो हम चाय को बहुत नॉर्मल स्पीड पे पकाते हैं, जैसे 800 या 400। 400 पे हम चाय पकाएंगे तो हम चाय की पत्ती वगैरह या चीनी डालेंगे तो उसमें बहुत अच्छा कलर आएगा चाय का। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। ये बड़ा चम्मच है, जैसे सरलेक वगैरह का होता है ना, उसका चम्मच लिया है मैंने, तो ये बड़ा है, यानी कि 4 चम्मच चीनी होगी। इसके लिए मेरा ये बड़े साइज़ का चम्मच है, तो इसलिए मैंने इसको 2 चम्मच चीनी डाली है इसमें। और ये मेरा जो चाय की पत्ती का स्पून है, ये छोटे साइज़ का है, इसको मैं इसमें 3 चम्मच डालूँगी। 2 और ये 3। अब हम इसको पकने देते हैं। जब ये अच्छे से खुल जाएगा फिर हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। चीनी पत्ती डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करूँगी। ये देखिए मेरे पास सूखा हुआ अदरक रखा है, मैं इसको सूखा कर रख लेती हूँ कि ताकि जिस मौसम में अदरक महंगा होता है या नहीं आता है तो हम फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरक सुखाने के बाद ऐसी खुशबू देता है और ऐसा ही टेस्ट होता है उसका कि हम उसको बाद में भी सूखा कर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें दूध ऐड करने जा रही हूँ। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला था और मैं 3 कप दूध डालूँगी। हमने इसको 400 पे अच्छे से पका लिया कि ताकि इसका कलर पूरी तरह से चाय में मिक्स हो गया है, चाय की पत्ती का। अब हम इसको थोड़ा सा हाई कर देंगे, यानी कि हम इसको डबल कर देंगे 800 पर। इससे इसमें थोड़ा सा जल्दी उबाल आएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे 400 पे कि ताकि ये अच्छे से खुल जाए, फिर इसका टेस्ट बन जाएगा। अब हमारी चाय रेडी हो चुकी है, अब हम इसको कपों में पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और मीठा भी एकदम परफेक्ट और पत्ती भी एकदम परफेक्ट। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।